हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। सर, आज जो ये सादी अदबी व सकाफती फेस्टिवल हुआ है, तो इसमें क्या पैगाम दिया गया है? देखिए, जाहिर है सादी। सर, पहले तो अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम है शरीफ हुसैन कासमी जी। मैं फारसी पढ़ाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब रिटायर हो गया हूँ। तो असल बात यह है कि सादी जो है वो एक शायर भी था और एक सूफी भी था। उसने जो कुछ लिखा है नज्म में या नसर में, उसकी दो बड़ी मशहूर किताबें हैं, या नाम भी लिखा हुआ है, बूस्तान और गुलिस्तान। इनमें उसने जो पैगाम, उसका असल पैगाम है, जिस पर इस जलसे में भी रोशनी डाली गई और इसरार किया गया कि उसका पैगाम इंसान दोस्ती का, इंसान के इंसान का इंसान से बराबरी की सतह पर ताल्लुक का, और तमाम कायनात जो सारी दुनिया है इसमें बगैर किसी भी वजह से फ़र्क के बगैर ज़िंदगी गुजारना, ये पैगाम है शादी का। इसी पर यहाँ आज इसरार किया गया और ये बड़ी बड़ी हकीकत है। आप ये देखिए, उसके कुछ शेर हैं शादी के, ये जो हमारा UNO है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसकी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेन, उसका जो एंट्रेंस है उसके ऊपर शादी के अशार लिखे हुए, UNO के मेन बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट पर शादी के अशार लिखे हुए हैं, जिसके माना ये है कि ये जो इंसान है दुनिया में कहीं पे भी रहते हों, ये सब एक जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की तरह हैं। हाथ है कोई, कोई पैर है, कोई सर है, कोई आंखें हैं, कोई मसलन इस तरह हैं। तो अगर यानी एक इंसान के जिस्म की तरह ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया, अगर इस जिस्म के किसी एक हिस्से पर फ़र्ज़ कीजिए उंगली में कहीं एक चोट लग जाए, तो पूरे जिस्म को उस तकलीफ़ का एहसास होता है। यही आलम इस दुनिया में है इंसान का। अगर आपको मसलन, हम रहते हैं हिंदुस्तान में और किसी को एक तकलीफ़ हो ईरान में, तो इंसान वो है जिसे ईरान में पहुंचने वाली किसी इंसान को तकलीफ़ का एहसास हो। ये पैगाम है शादी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको